हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्र नगर में रिहायशी इलाकों में शराब का ठीका खोलने को लेकर फिर से महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर शराब का ठेका महिलाओं के विरोध के बाद भी आधी रात को खोल दिया। इससे गुस्साई महिलाएं मंडी पठानकोट हाईवे पर धरने पर बैठ गई। महिलाओं के चक्का जाम से हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को बीच सड़क से हटाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रही महिलाओं में नोकझोंक भी हुई। करीब 30 से 40 महिलाओं ने मंडी पठानकोट हाईवे पर इकट्ठा होकर अपना विरोध जताया। साथ ही चेताया कि यदि रिहायशी इलाके में शराब का ठेका बंद नहीं किया गया तो हाईवे फिर से बंद करने से भी गुरेज नहीं करेंगी। महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका खुलने से यहां नशेड़ियों का जमावड़ा बढ़ेगा, इससे महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। अंधेरा होते ही महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए शराब का ठेका खुलने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं ने शराब के ठेके को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में SDM जोगिंद्र नगर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि वह राज्य आयकर विभाग से इस मामले की विस्तृत जानकारी हासिल कर आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। वहीं शराब के ठेकों को लेकर विरोध जता रही महिलाओं से भी बातचीत कर उनकी मांगों को हल किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।